अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हम सिरप्स करेंगे। सिरप की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिरप। तीन तरह की हमारे पास टाइप्स ऑफ सिरप होते हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। अगर हम बात करें सिंपल सिरप की, तो सिंपल सिरप आपके पास सिंपली एक सॉल्यूशन होगा कि जिसमें आप जो है वो सुक्रोज को जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है, यानी व्हीकल के अंदर आप उसको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना के दे रहे हैं। अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखें तो 66.7% वेट बाय वेट, ठीक है, यानी कि सुक्रोज को पानी के अंदर इसके अकॉर्डिंग भी डालें। अब वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ कि 66.7%, जहाँ पे परसेंटेज का साइन होता है ना, यहाँ पे मैं एक मिनट आपको क्लियर कर देती हूँ, परसेंटेज का जहाँ पे साइन होता है वहाँ पे याद रखिए कि 1/100 लग देता है, ठीक है, परसेंटेज को ऊपर से हटा देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे हमारे पास जो होता है वो 1 आ जाता है, ठीक है, 1/100 आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 66/100, ठीक है, जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो उसका हमने जो है वो वेट बाय वेट करना है, ठीक है। वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ कि उतना अमाउंट जो है वो हमने लेना है सुक्रोज का भी, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग भी जो है वो हमने पानी लेके तो उसके अंदर जो है वो हमने उसको डिसॉल्व करना है। वेट बाय वेट की बात हो रही है तो इसका मतलब है ग्राम बाय ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। ग्राम बाय ग्राम का क्या मतलब हुआ कि दोनों चीज़ें आपके पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में होंगी, ठीक है, जब सॉलिड फॉर्म में होंगी तभी आप उसको जो है वो सही तरीके से आप उसको सॉल्यूशन को जो है वो बना सकेंगे। तो ये आपने चीज़ें जो है वो बहुत ध्यान में रखनी होती है। अब यूएसपी के अकॉर्डिंगली क्या है, 85% वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हुआ, सुक्रोज आप लेंगे सॉलिड फॉर्म में और पानी जो है वो आप लिक्विड में लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम लोग उसमें नहीं ले सकते, लिक्विड फॉर्म में अगर हम उसको लेंगे बिना तो हम उसको सॉलिड बनाएंगे पहले, ठीक है, वेट बाय वेट है ना, उसको ग्राम की फॉर्म में आपने उसको ग्राम में कन्वर्ट करके तब आप उसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड नाम से इंडिकेट हो रहा है कि उसके अंदर मेडिकेमेंट्स जो आएंगे, मेडिसिनल एजेंट एपीआई वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर डालेंगे ताकि हम एक जो है वो अच्छा सॉल्यूशन जो है वो बना सकें, अच्छा सिरप जो है वो बना सकें। इसके अलावा इसमें क्या होता है, डिफरेंट और जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास, फ्लेवर्स, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद आपके पास जो है वो मेडिकेटेड सिरप बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेटेड सिरप। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है ना सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, जिस तरह आपके पास ब्रूफिन का सिरप है, ब्रूफिन तो सस्पेंशन है, इसी तरीके से और बहुत काफ़ी ऐसे आपके पास सिरप्स होते हैं जो आपके पास ना फ्लेवर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब मीठे होते हैं, बच्चों के लिए मोस्टली हम प्रेफर करते हैं बनाना, तो बच्चे जो होते हैं ऑब्वियसली उनको टेस्ट कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग में हम लोग जो फ्लेवर बनाते हैं ना, तो फ्लेवर्ड सिरप हमारे पास अलग बनता है, यानी कि सिरप को आप लेके ना जिसके अंदर मेडिसिनल एजेंट नहीं है आप उसको से फ्लेवर्स डाल के तो उनको मिक्स करके, जैसा कोको हो गया, ऑरेंज सिरप हो गया, ठीक है, इस तरीके से उनको मिक्स करके फ्लेवर बना लेते हैं, फिर मेडिकेटेड सिरप जो है वो अलग बन जाता है जिसमें आपके पास मेडिसिनल एजेंट थे। उसी तरीके से 66.7% वेट बाय वेट और 85% जो है वो वेट बाय वॉल्यूम यूएसपी के अकॉर्डिंग वो बना के उसके अंदर जो है हम उसको मिक्स कर देते हैं, तो तब आपके पास एक पूरा सिरप प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है हाउ टू फॉर्मुलेट सिरप, हाउ टू फॉर्मुलेट नॉन मेडिकेटेड सिरप, तो ये आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। अब अगर हम यूजेस एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिरप्स जो होते हैं वो एज अ व्हीकल भी यूज होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट, इमल्सेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि कफ को दूर करने के लिए या म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट्स के तौर पे जो आप इसको यूज कर सकते हैं सिरप्स को, जैसा कफ सिरप वगैरह होते हैं इस तरीके से। फिर इसके अलावा डाइल्यूशन के लिए व्हीकल्स की, ठीक है, इसके अलावा एज ए टेस्ट मास्किंग एजेंट भी आप इसको यूज़ करते हैं। फिर सिरप का जो यूज़ है वो ये है कि बच्चों और ओल्ड पेशेंट में जो आप इसीलिए इनको एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। सुक्रोज जो एजेंट होता है वो इनके अंदर सो द सिग्निफिकेंस ऑफ सिरप इंक्लूड ऑल्सो सुक्रोज विच रिटार्ड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि जिसमें आप जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है, अब इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी जो है वो बहुत सी आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है,
ये आपके लिए डेंजरस होता है, जिस तरह मैं एग्जांपल पहले भी डिस्कस की थी कि आप सेब लेते हैं, सेब को आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग काला पड़ जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज जो है वो आपके पास डिफरेंट माइक्रोग्रिजम बैक्टीरिया फंजाई की ग्रोथ को भी रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म की डिहाइड्रेशन करवा देते हैं, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती और वो डेड हो जाते हैं। फिर इसके अलावा इनमें अल्कोहल का जो है वो बहुत कम अमाउंट पे होकर या नहीं पाया जाता, क्योंकि जून सी चीज़ें बच्चों के लिए या आप सेंसिटिव लोगों के लिए, जैसा आप जेरियाट्रिक पेशेंट बूढ़े लोगों के लिए मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनमें कोशिश की जाती है अल्कोहलिक कॉन्टेंट ना यूज़ किया जाए। आगे आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सिरप, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिरप होते हैं, शुगर एंड शुगर सब्सटीट्यूट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्लेवरेंट्स हैं, कलरेंट्स हैं, स्पेशल सॉल्वेंट्स हैं। शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जैसे सुक्रोज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब शुगर सब्सटीट्यूट इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं सॉर्बिटॉल ओएल वाले, पहले भी डिस्कस किया था, जिनके एंड पे ओएल आता है तो याद रखिएगा कि अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें जो है वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ग्लिसरीन हम यूज़ कर सकते हैं। स्वीटनिंग एजेंट जो है वो मिथाइल सेलुलोज हाइड्रोक्सी थायल सेलुलोज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट के लिए जो सीरप्स बनाएंगे उनमें नॉन शुगर जो है वो यूज़ करते हैं, शुगर फ्री चीज़ें जो है हम उनके अंदर, ये शुगर फ्री फ्लेवरेंट्स डालने में है तो शुगर फ्री हम उनके अंदर डालेंगे ताकि उनके लिए वो डेंजरस ना हो, ठीक है। फिर इसके अलावा ये होता है कि आपने इसके अंदर जो है वो सुक्रोज का सोल्यूशन तो डाला हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके आपने कंसंट्रेशन देखनी है, जैसे 65% वेट बाय वेट है, ठीक है, तो आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। फिर आपने देखना है उसमें कोई क्रिस्टल्स फॉर्मेशन ना हो, प्रॉपरली स्वीट इन टेस्ट हो, ठीक है, तकरीबन एक सिरप के अंदर 60-80% जो है वो आप उसके अंदर सुक्रोज को एडअप कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो जो माइक्रोब्स को प्रिवेंट कर रही होती है चीज़ें, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, और आपके पास जो भी आपके पास फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल स्टेबल रहे और ठीक रहे, तो कॉमनली यूज जो होते हैं वो बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट 0.1-2.2%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये परसेंटेजेस ये अक्सर जो है वो पेपर में आती हैं, बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजोएट की खासतौर पर। फिर फ्लेवरेंट्स डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, वैनिलिन हो गया, यानी वनीला, वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल कौन से होते हैं जो आपके पास रूम टेम्परेचर पे वेपोरेट कर जाते हैं, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर के 25-30 तो उसमें उड़ जाएंगे, वो हवा में शामिल हो जाते हैं। फिर आते हैं कलरेंट्स, कलरेंट्स कौन से होते हैं, इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कलरेंट्स हम यूज़ करते हैं, ग्रीन विद मिंट, ग्रीन विद मिंट का ये मतलब है कि आपके पास जो मिंट कहते हैं पुदीना को, ठीक है, उसका जो रंग होता है उसके अकॉर्डिंगली, ब्राउन विद चॉकलेट, ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, यानी चॉकलेट फ्लेवर हमने उसको अगर देना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। फिर अब क्या होता है कि जो आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक तो ये वाटर सोलबल होना चाहिए, यानी पानी के साथ हल पजीर हो जाएँ, ठीक है, और इसके अलावा दूसरे कंपाउंड्स के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनर्ट होने चाहिए, यानी ये नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा ये कि इनकी पीएच जैसा हमने डिस्कस की थी, तो पीएच जो एक स्पेसिफिक रेंज में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एसिडिक पीएच है, ये बहुत बेसिक पीएच है और आपकी बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं है और प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। मिसेलिनियस का मतलब है कि अदर देन, ठीक है, अदर्स को मिसेलिनियस कहते हैं, मतलब इसके अलावा और जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें हमारे पास सॉल्वेंट्स आ जाएंगे, थिकनिंग एजेंट, सोलबलाइजिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास अब स्टार्ट हो रही है, मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप हैं, तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन विद द एड ऑफ हीट, ठीक है, आप सिंपल सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, उनको आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है वो डिसॉल्व करवा लेते हैं। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो चीज़ नहीं डिसॉल्व हो रही तो उसके लिए आपको जो है वो हीट रिक्वायर होगी, ठीक है, तो हीट के लिए आप क्या करेंगे कि आप उसको हीट करेंगे, जब आप उसको हीट करेंगे ऑब्वियसली वो सिंगल फेस बन जाएगी, उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आते हैं सोल्यूशन बाय एजिटेशन विदाउट हीट, एजिटेशन का मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है, स्पैचुला आपके लैब्स में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने देखा हो, इस टाइप का चम्मच की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं, इससे आप जो है ना उसको स्पैचुलेट करते हैं या मिक्स करते हैं। फिर आता है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड, यानी कि मेडिकेटेड लिक्विड आपने बनाया उसके अंदर जो है आप उसको सुक्रोज को ऐड करवा के जो है वो सिरप बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है परकुलेशन, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और परकुलेशन के प्रोसेस में बेसिकली स्ट्रेनिंग मेथड होता है, मतलब आप उसको स्ट्रेन कर लेते हैं बाय मीन्स ऑफ फिल्टर पेपर, जिस तरीके से कॉफ़ी को स्ट्रेन करके जो है वो यूज़ कर लेते हैं, इसी तरीके से इसमें जो है फिल्टर पेपर को यूज़ करके स्ट्रेन करके उसके बाद जो है उस सिरप को यूटिलाइज़ कर लेते हैं हम।
आगे हम स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसको टेम्परेचर नहीं रखना और वेल क्लोज कंटेनर यूज़ करने हैं ताकि इनको हम ईजिली स्टोर करवा सकें। तो यहाँ तक हमारा जो है वो सिरप का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।